तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है टैक्सी फराज और मेरा नाम है फराज। तो आज फाइनली ऑर्डर आ चुका है, ये है एमआई का ट्रिमर 1C। तो आज इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और बाकी देखते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या मिलता है, कैसी है इसकी स्पेसिफिकेशन, इसके साथ कौन सी परफॉर्मेंस मिलती है, और इससे शेव करके भी दिखाऊंगा। हालांकि मैंने शेव नहीं किया है, इससे शेव करके भी दिखाऊंगा कि इसका परफॉर्मेंस कैसी है और इसकी बैटरी की लाइफ कैसी है, सारी चीज़ डिस्कस करते हैं। और हाँ, आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियो आती रहेगी अनबॉक्सिंग की और बहुत सारी और भी वीडियो आती रहेगी। तो फटाफट से इसको सब्सक्राइब भी कर लिए और लाइक भी कर दिए, कमेंट करके बता दिए वीडियो कैसी लग रही है, अच्छा लगता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फटाफट से अब इसके अनबॉक्सिंग करते हैं। और अनबॉक्सिंग से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसको मैंने अमेजोन से लिया था और 800 रुपये मेरे को मिल गई थी एक अच्छे ऑफर में। 800 रुपये में मेरे को ये ट्रिमर मिल गया था। हालांकि इसका प्राइस अगर हम देखें तो 1200 रुपये इसकी प्राइस है। आज की डेट में मैंने लिया था, आज से एक हफ्ते पहले मैंने लिया था। आप भी अमेजोन पर चेक करिए, हो सकता है इससे कम में भी मिल जाए और हो सकता है इससे ज़्यादा भी मिल जाए। तो फटाफट से इसकी स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ। तो इसकी स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता दूँ, ये एडजस्टेबल 20 लेंथ सेटिंग वाला इसमें क्या कहते हैं ब्लेड लगा हुआ है और 60 मिनट की रन टाइम है इसकी, मतलब 2 घंटे तक आप इसको लगातार चला सकते हैं। और सेल्फ शेपिंग ब्लेड है इसमें, मतलब अपने आप एडजस्ट कर सकते हैं इस ब्लेड को, और बाकी तो इसमें कुछ और नहीं है। और पीछे इसका अगर हम प्राइस दिखाएं तो इसका प्राइस वही है, 1200 रुपये है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और पूरी चीज़ आपको बताते हैं कैसे क्या चीज़ है। अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। इस तरीके का है और इसकी पैकेजिंग मेरे को सबसे ज्यादा अच्छी लग रही है। और ये ऐसे है, ये तो है ट्रिमर, इसको साइड में रखते हैं और देखते हैं बाकी अंदर और क्या चीज़ें हैं। ये USB केबल आपको मिल जाती है जिससे आप चार्ज कर सकते हैं, किसी भी चार्जर में लगा के चार्ज कर सकते हैं। और एक पाउच है और एक ब्रश है जिससे अगर आप ट्रिमर में बाल कहीं फंस जाता है तो उससे आप साफ कर सकते हैं। बाकी और कुछ नहीं है इसके अंदर, तो इसको रखते हैं साइड में। कुछ इस टाइप का आप देख सकते हैं, इसमें पाउच मिलता है जिसमें आप कैरी कर सकते हैं अपनी ट्रिमर को कहीं अगर जैसे जा रहे हो तो इसमें कैरी कर सकते हैं। और ये USB केबल है और ये ब्रश है। अब फर्स्ट लुक देख लेते हैं इस ट्रिमर की। कुछ इस टाइप का मिलता है हमको। MI की यहाँ पीछे ब्रांडिंग है और यहाँ से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। और पीछे से ऐसा दिखता है और आगे से ऐसा दिखता है। और आप जो इस ब्लेड की सेटिंग है आप ऐसे सेट कर सकते हैं, ये इसमें दे रखा है, इससे आप सेट कर सकते हैं। और इसमें 3 बल्ब दे रखा है जो बताता है कि आपका चार्ज कितना है। अगर इसमें 3ों बल्ब जल रहे हैं तो मतलब फुल चार्ज है, अगर हाफ जल रहा है तो मतलब आधा चार्ज है। और आप स्टार्ट इससे कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर बैटरी है तो ये चार्ज हो गया। और आप रोशनी में नहीं देख पाएंगे लेकिन इसमें हाफ दिखा रहा है चार्ज, बीच वाली जल रही है। और बाकी जब आप चार्ज करेंगे तो ये वाली एक इसमें बत्ती है वो जल जाएगी लाइट। और इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि और जो नॉर्मल जो ट्रिमर्स होते हैं उसमें एक खुद का चार्जर होता है, इसमें क्या है इसमें आप डाटा केबल से किसी भी चार्जर से चार्ज कर सकते हैं। तो एक ये फ्लेक्सिबिलिटी इसके साथ मिलती है जिसको और भी खास बना देता है। और बाकी चलते हैं इसकी टेस्टिंग करते हैं, टेस्ट करके बताते हैं कि इसके परफॉर्मेंस ओवरऑल कैसा है। Thank you.
इसको कैप हटा के मैं इसको ट्रिम कर रहा हूँ, देखते हैं कैसा है रिजल्ट। तो अभी ओवरऑल मैंने जितना छोटा हुआ ट्रिम किया है कुछ पता ही नहीं चल रहा है, आराम से ट्रिम हो रहा है। और इसके जो आगे के ब्लेड है वो हालांकि बहुत स्टिफ है लेकिन पता बिल्कुल नहीं चल रहा है। चलिए फटाफट से पूरा फुल शेप करके आपको दिखाते हैं। तो वेलकम बैक, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ट्रिम कर लिया और रियल ऑनेस्ट में अगर मैं बताऊं तो मुझे जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा अच्छा लगा। आप देख सकते हैं मैंने ट्रिम कर रखा है, एकदम क्लियर इसने शेप कर दिया। और चीज़ आपको मैं एक चीज़ और बताऊं कि मैंने सुना था इसका ब्लेड गर्म हो जाता है क्योंकि इसका ब्लेड स्टील का है तो ये गर्म हो जाता है कुछ देर यूज़ करने के बाद, ज़रा सा भी गर्म नहीं हुआ, बिल्कुल बेस्ट बेहतरीन परफॉर्मेंस मेरे को मिली, मैं बता नहीं सकता आपको। मेरे पास वैसे और भी ट्रिमर्स हैं उनको भी मैं यूज़ करता हूँ, हालांकि 2-3 हज़ार वाले भी ट्रिमर हैं और सस्ते भी ट्रिमर हैं। तो अगर मैं ये कहूँ इसका कंपेयर अगर मैं करूँ तो इसका कंपेयर मैं कर सकता हूँ 2-3 हज़ार वाले ट्रिमर से, ऐसी परफॉर्मेंस है इसकी। हालांकि मैंने शेव किया, वैसे मैं शेव करता हूँ तो दो बार मैं कोट करता हूँ, मतलब एक बार मैंने शेव किया फिर इसका दोबारा शेव करता हूँ तब जाके क्लीन शेव होती है, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। एक बार मैंने शेव किया सारे के सारे बाल हट गए थे, ज़रा से भी बाल नहीं बचे थे कि मेरे को डबल कोटिंग करना पड़ता। ओवरऑल इसका फिर से मैं बता दूँ प्राइस 1200 रुपये है, अगर मी के वेबसाइट से आप लेंगे तो ये 1200 रुपये का ही मिलेगा, इससे कम का भी मिल सकता है मुझे पता नहीं है। मैंने तो अमेज़ॉन से मंगवाया था और कैशबैक भी लगा के मंगवाया था तो ये मेरे को 800 रुपये का मिल गया था। और आपको भी अगर अच्छी डील मिल जाती है तो ये आपको भी 800-900 रुपये का मिल जाएगा, बुरा नहीं है, मुझे तो ओवरऑल बिल्कुल बेस्ट लगा। इसको मैं एक हफ्ते तक यूज़ करूँगा, इसके बाद आपको फुल रिव्यू लेकर आऊँगा। अभी जितना हालांकि मैंने यूज़ किया फर्स्ट इंप्रेशन जो मेरा है बहुत ही अच्छा है। 2 घंटे तक इसकी बैटरी चलेगी, अगर आप नॉन स्टॉप चलाते हैं ट्रिम करते हैं तो 2 घंटे तक चलेगी इसकी बैटरी और चार्ज होने में आधा घंटे का टाइम लेगा, आधे घंटे में पूरी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी। और एक चीज़ ये इसका मेरे को लगा कि आप चार्जिंग केबल लगा के इसको ट्रिम नहीं कर सकते, चार्जिंग केबल हटाए के इसको ट्रिम कर सकते हैं, ये इसके साथ एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें USB केबल दे रखा है चार्जिंग के लिए, ये चीज़ मुझको इसकी सबसे बेस्ट तो मेरे को यही चीज़ पार्ट लगा कि और जो दूसरे ट्रिमर होते हैं उसका जो चार्जर होता है वो पूरा का पूरा चार्जर आता है, उसका पोर्ट भी अलग होता है। अगर वो चार्जर हालांकि ख़राब हो जाता है तो वो आसानी से नहीं मिलता है, आपको उसी ब्रांड का लेना पड़ता है, जितने का मिल रहा है उतने का लेना। लेकिन इसके साथ ये नहीं है, आप USB केबल से किसी भी चार्जर से इसको चार्ज कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट यही करूँगा कि इसको MI के चार्जर से चार्ज करें और अच्छे चार्जर से चार्ज करें, इसकी बैटरी के ऊपर लोकल चार्जर से असर पड़ेगा, तो ओरिजिनल चार्जर से इसको चार्ज करें। और दूसरी चीज़ ये है, अगर जिसकी बियर्ड रखना चाहते हैं, बियर्ड की स्टाइल रखना चाहते हैं, वो भी आप इससे रख पाएंगे क्योंकि उसके ब्लेड है ना वो एकदम शार्प है, लेकिन जब आप शेव करते हैं तो पता बिल्कुल भी नहीं चलता कि इसका ब्लेड शार्प है या शार्प नहीं है। और जैसे बहुत से लोग कह भी रहे थे कि MI के ट्रिमर से कट भी लग जाता, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने हर तरीके से यूज़ किया, ऐसे भी यूज़ किया, ऐसे भी यूज़ किया, कुछ भी कहीं भी कटा वटा नहीं है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी। और दूसरी बात, इसमें कोम भी दे रखा है, कोम भी लगा के आप ट्रिम कर सकते हो, कोम हटा के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप बियर्ड रखते हैं तो कोम लगा के भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो एक छोटा सा बटन दे रखा है इससे आप सेट कर सकते हैं, मैंने हालांकि दिखा दिया है। और इसमें लाइट भी दे रखा है बैटरी की, जैसे बैटरी इसकी होगी कम ज़्यादा होगी उस हिसाब से लाइट इसकी 3 है, कम होगी तो एक जलेगी, ज़्यादा होगी तो पूरी जलेगी, अगर मीडियम होगी बैटरी तो बीच वाली जलेगी। तो इस तरीके से इसका ओवरऑल पूरा का पूरा मेरे को रिव्यू मैंने आपको दे दिया। और इसका पूरा अगर आप रिव्यू चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं पूरे हफ्ते इसको यूज़ करूँगा, इसके बाद पूरा फुल रिव्यू लेकर आऊँगा। हालांकि अभी मैंने जो यूज़ किया उस हिसाब से मेरे को तो ये बेस्ट लगा, आप भी ले सकते हैं अगर लेना चाहे, ऐसा मैंने सुना उससे मेरे को अच्छा ही लगा, जितना मैंने सुना था ये अच्छा होगा उससे ज़्यादा मेरे को अच्छा लगा। तो ये है आज की अनबॉक्सिंग और मेरा छोटा सा रिव्यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक कर दिएगा, कमेंट करके बता दिएगा कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा या आपको इसके ऊपर रिव्यू चाहिए नहीं चाहिए, और शेयर कर दिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, अच्छा लगता है। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लिएगा क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियो और भी आती रहेगी और हमारी YouTube फैमिली भी अब बड़ी हो रही है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। इसी नोट पे आप वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।